Good morning. How are you all? Fine. Okay. So, friends, we had completed our half of the chapter of fourth, States of Matter. In this chapter, we read about the three states of matter: solid, liquid, and gas. And we read about arrangement and movement of the particle in this topic. After that, second topic was how matter changes state. So matter changes state through the melting, freezing, vaporization and condensation. Okay, so friends, today we will read about expansion and contraction of matter, and second topic is reversible and irreversible changes. Clear? So let's start our new topic, expansion and contraction. Now let's start expansion and contractions. When we heat a substance, जब हम substance को heat करेंगे, its particle gain energy and start moving away from each other. जब हम किसी substance को heat करेंगे तो उसके particle में energy होगी और वो एक दूसरे से दूर जाना start करेंगे. Okay? This is called expansion. और इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सपेंशन, मीन्स वो फैलना स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल, व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओपन अ बॉटल ऑफ जैम विद अ मेटल लीड्स. सपोज कीजिए आपके पास एक जैम की बॉटल है और उसके ऊपर एक मेटल का लीड लगा हुआ है. लीड मीन्स ढक्कन. सो वो बहुत टाइट हो गया. द लीड इज़ हीटेड जेंटली. तो हम क्या करेंगे, उस लीड को हीट करेंगे. द मेटल लीड देन एक्सपेंड एंड लूजन इट्स ग्रिप. उससे क्या होगा, जो मेटल है, जो मेटल का लीड है वो एक्सपेंड होगा, मीन्स थोड़ा सा वो फैलेगा, खुलेगा, उसके जो पार्टिकल्स है वो एक्सटेंड होंगे और वो धीरे धीरे लूज होगा ऑन द बॉटल एंड कैन बी ओपन ईजिली, और वो ईजिली ओपन हो जाएगा. गैसेज शो मैक्सिमम एक्सपेंशन वेयर एज सॉलिड शो मिनिमम एक्सपेंशन. जो गैसेज होती है वो मैक्सिमम एक्सपेंशन, मीन्स जो गैस होती है वो ज़्यादा फैलती है इंस्टेड ऑफ सॉलिड, और सॉलिड क्या होता है, कम फैलता है. ओके, कम एक्सपेंशन होता है. नेक्स्ट इज व्हेन वी कूल अ सब्सटेंस. जब हम सब्सटेंस को ठंडा करते हैं, इट्स पार्टिकल और पार्टिकल कम क्लोजर. जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो पास में आ जाते हैं एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस, और कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. द सब्सटेंस कंट्रैक्ट और श्रिंक. तो उसके सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्रिंक होने स्टार्ट करते हैं. श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना. ओके, सो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास में आते क्लोजर आते जाते हैं और वो श्रिंक हो जाता है. द फिनोमेनन इज कॉल्ड कंट्रक्शन. इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं कंट्रक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी कीप एन एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल इन द फ्रीजर. कि हमारे पास एक मिनरल वाटर की एमपीटी बॉटल है, उसको हमने फ्रीजर में रखा, we will find that it shrink. कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो shrink हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है. In and gets deformed. और वो थोड़ा सा अजीब सा शेप बन जाता है. This happened due to contraction of air inside the bottle. और ये क्यों हुआ, जो air थी bottle के अंदर उसके contraction से हुआ. When the air gets cooled, जब air ठंडी हुई, the air particle come closer and occupy less space. तो उससे क्या हुआ, air के जो particles थे वो closer आए और कम space occupy किया. As a result, the bottle gets squeezed. और इसी कारण से bottle squeeze हो गई, सिकुड़ गई. Next topic is reversible and irreversible change. The properties of a material can be changed. The properties of a material can be changed. जो material के properties हैं वो change हो सकती है. Some changes are irreversible, while some are reversible. कुछ reversible होते हैं, कुछ irreversible होते हैं. Okay, now what is irreversible change? A change is called irreversible if it cannot be changed back again. कोई भी material है वो अगेन अपने शेप में नहीं आ जाता है, अगेन अपने फॉर्म में नहीं आ जाता है, इट कॉल इरिविजिबल चेंज. फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट चेंज अ केक बैक इनटू इट्स इंग्रेडिएंट्स.
मीन्स जो केक बना हुआ है उसको हम अगेन उसके इंग्रेडिएंट्स में चेंज नहीं कर सकते. सो वी कैन से द इरिविजिबल चेंज आर परमानेंट. सो हम कह सकते हैं कि जो इरिविजिबल चेंजेस हैं वो परमानेंट होते हैं. इट कैन नॉट चेंज अगेन इन प्रीवियस फॉर्म. दे कैन नॉट बी रिवर्स. वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकते. न्यू मटेरियल आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन एन इरिविजिबल चेंज. मीन्स जो कोई भी न्यू मटेरियल बनता है वो इरिविजिबल चेंज में होता है. मैनी टाइम दीज न्यू मटेरियल आर यूजफुल टू अस. कई बार होता है कि जो न्यू मटेरियल्स होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. ओके नाउ हीटिंग कैन कोज एन इरिविजिबल चेंजेस. ओके इरिविजिबल चेंज होने का जो प्रोसेस है वो किस कारण से होता है. बाई हीटिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हीट रो एग टू कुक इट. हमने रो एग को हीट किया. द कुक्ड एग कैन नॉट बी चेंज बैक टू अ रो एग अगेन. जो कुक्ड एग है उसको हम अगेन रो एग में चेंज नहीं कर सकते हैं. इट कॉल इरिविजिबल चेंज. बर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इरिविजिबल चेंज. Burning is an example of an irreversible change. When we burn wood, we get ash and smoke. जब हम किसी wood को जलाते हैं, burn करते हैं, तो हमें क्या दिखता है और क्या मिलता है? Ash मिलती है और smoke मिलता है. Ash का मतलब होता है राख. Okay? We cannot change the ash and smoke to wood again. तो ash और smoke को हम wood में change नहीं कर सकते. A revisible change is okay. These are factor of irrevisible change. Now this is revisible change. Revisible change is a change that can be undone or reversed. जो revisible change है वो reverse हो सकता है. Again अपने form में आ सकता है. It is temporarily और revisible जो change होते हैं वो temporarily change होते हैं. It might change how a material looks or feel, but it does not क्रिएट न्यू मटेरियल. ये क्या होता है न्यू मटेरियल में? बट इट डज नॉट क्रिएट न्यू मटेरियल. ओके ये न्यू मटेरियल में क्रिएट. नाउ मेल्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिविजिबल चेंज. मेल्टिंग इज मेन फैक्टर फॉर रिविजिबल चेंज. फॉर एग्जाम्पल मेल्टेड चॉकलेट कैन बी चेंज बैक इन टू सॉलिड चॉकलेट बाई कूलिंग. हमारे पास मेल्टिंग चॉकलेट है और जब हम उसको फ्रीजर में रखेंगे तो वो सॉलिड चॉकलेट में कन्वर्ट हो जाएगी. सो मेल्टिंग इज़ द मेन फैक्टर ऑफ द इरिविजिबल चेंज. फ्रीजिंग इज़ अ रिविजिबल चेंज. फॉर एग्जांपल वी कैन फ्रीज ऑरेंज जूस टू मेक आइस लॉलीज. द आइस लॉलीज कैन बी चेंज बैक इनटू ऑरेंज जूस बाय कीपिंग देम आउट ऑफ द फ्रीजर. हमने उसको ऑरेंज जूस को फ्रीज में रखा तो वो आइस लॉलीज बन गई और जब हमने उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के कुछ समय के लिए बाहर रखा तो वो क्या हुआ? अगेन ऑरेंज जूस में चेंज हो गया. बॉइलिंग वेपराइटिंग एंड कंडेंसिंग आर ऑल एग्जांपल ऑफ रिविजिबल चेंजेस. फॉर एग्जांपल इफ वी कुड कैप्चर ऑल द स्टीम दैट इज मेड व्हेन अ केटल बॉइल वी कुड टर्न इट बैक टू वाटर बाय इट कूलिंग इट. मीन्स कैटल को बॉयल करके जो स्टीम बनी थी कैटल में जो लिक्विड होता है उसको बॉयल करके जो स्टीम बनी थी अगर हम उसको कैप्चर करके रखें कलेक्ट करके रखें और उसको कूल करें तो वो अगेन लिक्विड में चेंज हो जाएगा. ओके हाउ डू सम सॉलिड एंड गैसेस डिजॉल्व इन वाटर. सम सॉलिड एंड गैसेज डिजॉल्व इन वाटर. कुछ सॉलिड और डिजॉल्व है वो जो गैसेज है वो वाटर में कैसे डिजॉल्व होती है? ए सॉल्वेंट इज अ लिक्विड. सॉल्वेंट क्या हुआ? लिक्विड दैट डिजॉल्व अ सब्सटेंस और जो कि सब्सटेंस को डिजॉल्व करता है. मीन्स देयर इज हेयर इज लिक्विड इज अ सॉल्वेंट. द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट. और जो सब्सटेंस होता है वाटर में डिजॉल्व होता है इट कॉल सॉल्यूट. लाइक अ शुगर. शुगर क्या हुआ? सॉल्यूट हो गया. एंड वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट हो गया. द मिक्सचर फॉर्म्ड बाय अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. सो
स्वीट शुगर एंड वाटर का जो मिक्सचर है स्वीट वाटर कोल्ड सॉल्यूशन. तो स्वीट वाटर को हमने क्या कहा, सॉल्यूशन. द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन गेट्स मिक्सचर टुगेदर कम्प्लीटली. और सॉल्यूशन क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का एक तरह से पूरी तरह से मिक्सचर किया गया हुआ है. सब्सटेंस दैट कैन डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आर रेफर्ड एज टू सॉल्यूबल सब्सटेंस. मीन्स वो सब्सटेंस जो जिसके पार्टिकल्स सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं उसको सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं. सब्सटेंस दैट कैन नॉट डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. वो सब्सटेंस जिनमें जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं. ओके, सो दीज आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. सम सॉलिड दैट डिजॉल्व इन वाटर आर सॉल्ट शुगर एंड कॉफ़ी. कुछ सॉलिड सब्सटेंस हैं जो कि वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं. व्हेन अ सॉलिड इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड टेक्स अप द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड. जब हम किसी सॉलिड को वाटर में या लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के पार्टिकल्स, तो एम्प्टी लिक्विड के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं. टू थिंग्स दैट इफेक्ट द स्पीड एट विच द सॉलिड डिजॉल्व आर टेम्परेचर एंड द साइज ऑफ द ग्रेन ऑफ द सॉलिड. सो जो सब्सटेंस होते हैं उनके डिजॉल्व करने के लिए टू थिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज साइज. ओके, सो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजॉल्विंग द सब्सटेंस. शुगर विच इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स विल डिजॉल्व क्विकली. शुगर मीन्स शुगर के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली क्विकली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में. बिगर शुगर पार्टिकल्स विल टेक लॉन्गर. और इफ़ शुगर के जो पार्टिकल्स हैं बड़े हैं लॉन्गर हैं वो सॉरी पार्टिकल्स बड़े हैं तो वो टाइम लेते हैं डिजॉल्व होने में. सॉलिड यूजुअली डिजॉल्व फास्टर एंड बेटर इन हीट वाटर, हॉट वाटर. जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो हीट वाटर में इजीली और फास्टर डिजॉल्व होते हैं. वाटर को हॉट वाटर में इजीली और फास्टर डिजॉल्व होते हैं. दिस इज बिकॉज इन हॉट वाटर द पार्टिकल ऑफ वाटर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. बिकॉज ऑफ जो वाटर हीट होगा या हॉट वाटर होगा उसके पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होते हैं. सो क्रिएटिंग मोर स्पेस, इससे क्या होगा स्पेस मिलेगा बिटवीन देम. ठीक है, मीन्स जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से फार अवे होंगे जिससे कि सब्सटेंस को डिजॉल्व होने में और उसके पार्टिकल को मिक्स होने में इजी होता है. ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सम गैसेस दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर. सो दीज गैसेस कैन इजीली डिजॉल्व इन वाटर. मैरिन एनिमल्स ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जो मैरिन एनिमल्स होते हैं लाइक वाटर एनिमल्स होते हैं वो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उससे ब्रीथ करते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. नाउ कीवर्ड्स, कंस्ट्रक्शन, डिक्रीज इन द साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन कूलिंग. कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि जो सब्सटेंस है उसको कूल करके उसके साइज को डिक्रीज किया जाता है. एवोपरेशन, द चेंज फॉर्म लिक्विड टू गैस. इवेपोरेशन से क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज करने की प्रोसेसिंग. एक्सपेंशन, द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग. जब हम इस सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता है. फ्रीजिंग, द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने की प्रोसेसिंग. गैसेज, मैटर इन विच द पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सॉरी लूजली पैक्ड. मैटर इन विच द पार्टिकल आर लूजली पैक्ड. गैसेस की जो जो गैसेस फॉर्म होती है उसमें उसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं. लिक्विड, मैटर इन विच द पार्टिकल आर लेस टाइटली पैक्ड. लिक्विड में लेस जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस या लूजली पैक्ड होते हैं.
मैटर एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर. मेल्टिंग चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेसिंग इज मेल्टिंग. सॉलिड मैटर इन विच द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड. जो सॉलिड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके, नाउ असाइनमेंट. अंडरलाइन द करेक्ट आंसर. द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू आइस इज कॉल्ड. वाटर से आइस में टर्न करने की प्रोसेस फ्रीजिंग. ओके, सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन. द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग इनटू वाटर कंडेंसेशन. वाटर वेपर से वाटर में चेंज करने की प्रोसेसिंग कंडेंसेशन. फोर्थ इज द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज. What is the properties of solid? Definite shape, consist of particle close to each other, never flow, all of these. Naturally all of these, because definite shape होती है, particles closely होते हैं, very tightly होते हैं and cannot flow. So these is the right answer. Question fifth, which of the following is reversible change? So melting of ice is reversible change because of tearing of paper. हम पेपर को टियर करेंगे तो वापस हम एक मैन एक पेपर तो नहीं बना सकते ना. बर्निंग ऑफ गैस, जब गैस बर्न हो जाती है अगेन इट कैन नॉट फॉर्म. कुकिंग ऑफ फूड, जो फूड बनने के बाद हम उसको इंग्रेडिएंट्स में चेंज नहीं कर सकते. सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज द रिविजिबल चेंज. फिल इन द ब्लैंक्स. मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिविजिबल चेंज. सो हेयर इज आइस. इन सॉल्यूड द पार्टिकल आर closely packed. Third is the particle of a matter move fastly when heated and slow when cool. जो particles होते हैं जब हम उसको heat करते हैं तो fastly move करते हैं. Okay, and जब cool करते हैं तो slow करते हैं. Any fourth is anything that has mass and occupies space. This is the definition of matter. Fifth is whenever an irreversible change occur, new material are always formed. Whenever an, so here is irreversible change occur. जब irreversible change होता है तो new material form होता है. Okay? Next is match of the following. Solid never flow. So first is there liquid. टेक द शेप ऑफ कंटेनर लाइक अ वाटर. को हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है. थर्ड इज पार्टिकल मूव क्विकली इन ऑल डायरेक्शन. सो गैस के पार्टिकल्स और डायरेक्शन में मूव करते हैं. वाटर टू वेपर. वाटर से वेपर में चेंज करने की प्रोसेसिंग इवेपरेशन. जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो इवेपरेशन में वाटर वेपर में चेंज हो जाता है थ्रू द इवेपरेशन. फोर्थ इज गैस टू लिक्विड. गैस से लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेसिंग कंडेंसेशन. ओके, नेक्स्ट लास्ट इज सिक्स्थ. सॉलिड टू लिक्विड मीन्स मेल्टिंग. आइस को वाटर में चेंज करने की प्रोसेसिंग मेल्टिंग. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली. व्हाट आर द थ्री स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड लिक्विड गैस राइट डाउन. सेकेंड, व्हाट इज मेल्टिंग. व्हाट इज फ्रीजिंग. व्हाट इज इवेपरेशन. व्हाट आर सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. सो इट इज शॉर्ट आंसर्स. नेक्स्ट, now answer in detail. Write a note on arrangement of particle or molecules in different state of matter. Solid, liquid, gas के जो particles हैं उनका जो arrangement है उनके बारे में आपको बताना है. Next is third. How will you change liquid water to solid ice? Liquid water को आप solid ice में कैसे change करेंगे? And then टू गैशियस वेपर. और फिर गैशियस में वेपर में कैसे चेंज करेंगे? डिस्क्राइब थ्रू द लेवल डायग्राम. ड्रॉ अ डायग्राम. फोर्थ इज लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैशियस स्टेट. आपको प्रॉपर्टीज बतानी है सॉलिड लिक्विड गैस की. एंड फिफ्थ इज डिफरेंस बताने आपको एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन एंड रिविजिबल एंड इरिविजिबल चेंज. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ऑल द असाइनमेंट. सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली and do all the question answer in your notebook in neat and clean handwriting. Thank you. Have a nice day.